हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3। तो इसी के साथ हमारी जो सिंपल प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हुई। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी छोटी मोटी जो हमारी चैप्टर्स में ही है 3.3 में, तो उस पर देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि 2x+3y=11 है, ध्यान देंगे 2x+3y=11 और 2x-4=-24, ठीक है। को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसे y के लिए mx+3 हो। तो बॉयज ध्यान रखते हैं, हमें दो इक्वेशन दे दी कि इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें, और एक अलग से तीसरी इक्वेशन भी दे दी कि भैया एक इक्वेशन ये भी है। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इस m की। तो प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन 1 की जगह हम इसे 2 कह सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 है। जो भी हमने ऊपर किए जो एग्जाम्पल देखे 1 से 6 तक, उसमें बस इतना ही था कि दो इक्वेशन दे दी, उसमें उनके वेरिएबल्स के आंसर बताएं। अब इसमें क्या है कि उन वेरिएबल्स के आंसर निकालने के बाद एक और इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, और हम आंसर एक थर्ड वेरिएबल का दे देंगे। इसमें क्वेश्चन पे देखते हैं वही सेम तरीका। पहली इक्वेशन को मैंने माना 1, दूसरी इक्वेशन को माना 2। 2x+3y=11 को माना 1, 2x-4y=-24 को माना 2। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं समीकरण 1 से, यानी मैंने कौन सा समीकरण लिया, 1। 1 क्या था, 2x-3y=11। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली, तो 11-3y ये प्लस का था, इधर आके किस में हो गया माइनस का, ये हम पहुंच गए डिवाइड में, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट में क्या था, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो भी एक्स का मान निकाला हमने उसे किस में रखने जा रहे हैं, 2 में। एक्स का मान क्या निकाला, 11-3y/2, 4y 4y 24 का 24। तो दो से दो कट गए, दो से दो कट जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दो से दो कट गए तो क्या बचा मेरे पास भाई, 11-3y-4=-24। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11-7y। अब बॉयस इसमें सबसे बढ़िया 3 और 4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसीलिए जुड़ा है। यदि यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ी सी भाई चेंज होता तो हमारा आंसर कुछ और आ जाता। तो 11-7y=-24, तो 7y=-11+24, 11+24, ऐसे चलते हैं। 7y=-35, तो y के साथ 7 गुणा में, तो गुणा में की चीज कहाँ पे आती है, इक्वल के बाद भाग में, तो 35/7, 7 5 35। तो इसे हमने काट दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5। जैसे मेरे पास y की वैल्यू आई है, वैसे मैं y की वैल्यू को पुट करूंगा दूसरी इक्वेशन में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 3 में y=5 रखने पर, जो कि समीकरण निकालते हैं हमने x की वैल्यू का, या फिर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं जो हमारे सिंपल फर्स्ट इक्वेशन दे रखे थे उसमें भी रखेंगे तो वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देखते हैं, x=11-3y=2, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 11, y की जगह 5, तो 5 को 3 से गुणा करते हैं 15, 11 के 11, 5 या 15, 15 माइनस के 11 प्लस के, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचती है, 4/2, ये कितना हो गया -2। तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास -2। ऐसे मेरे पास आंसर आ गया वाई का भी और एक्स का। एक चीज़ ध्यान रखें बॉयज कि नीचे आ रहा है डिवाइड में 2, फिर आ रहा है डिवाइड में 2, ये आ रहा है डिवाइड में 2। हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा डिवाइड में 2 रखना, क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ाते वक्त ये 2 नहीं बोल रहा, क्योंकि आपका बार बार ध्यान जाएगा कि ध्यान नहीं, हमें बार बार 2 भी लिखना है या ये भी करना है, तो मैं आपको ऊपर या मल्टीफिकेशन या जो भी हमारे स्टेप आ रहे हैं उसी पे ध्यान रखना। ये 2 जो सिमिलर आ रहे हैं उन्हें लेके चलना है जरूरी है, अगर लेके नहीं चलेंगे तो हमारे नंबर्स कट जाएंगे ये। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू। अब मैं आता हूँ इसके थर्ड पार्ट पे, क्योंकि हमने एक्स की भी मान निकाल लिया, वाई का जहाँ तक अभी हमने पढ़ा था। अब ये थर्ड जो इक्वेशन आई थी उसमें मुझे एम की वैल्यू निकालनी है, और एम की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब एम का मान प्राप्त करने के लिए एक्स और वाई का मान y=mx+3 में रखने
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है जहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट ऑफ करूँगा। तो मैंने वैल्यू रख दी 5 इज इक्वल टू में एम ब्रैकेट में 2 प्लस में 3। मैंने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, इसे सॉल्व किया माइनस 2 और एम की गुणा करी तो माइनस का 2 है। ऐसे सेम 3 यहाँ पे प्लस का था, इधर लेके गया तो माइनस का, 5 में से 3 गए तो बचे 2, 2m, 2 से 2 कट गए तो हमारे पास बचा माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास एम की वैल्यू आ गई 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें ध्यान दें, हमने एक्स वाई और एम तीन वैल्यूएं फाइंड आउट की हैं, एक तो एक्स की एक वाई की अपने सॉल्यूशन के लिए, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू की मदद से ही हमने एम की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, राइट। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखते हैं कि कुछ होगा समस्याएं या अलग चीज़ें, वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं कि इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। अब बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं प्रतिस्थापन 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 विधि ही क्यों बता रहा हूँ कि एक इक्वेशन से निकालो, दूसरी दूसरी से निकालो, तीसरी, क्योंकि हमारी जो 10th क्लास है, 10th क्लास में दो इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी कई मेथड दिए हुए हैं जिन्हें हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी इसमें हम ध्यान देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे को दो कंडीशन, यानी कोई से भी दुनिया की वर्ड प्रॉब्लम रहे उसमें दो कंडीशनें दी रहेंगी, हम उन दो कंडीशनों से दो इक्वेशन बनाएंगे और जैसे सॉल्व करना आता है हमें हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम ध्यान देंगे, इसे पढ़ेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक लाइन खत्म हुई, मेरी कंडीशन भी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। और ऐसे देखेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व में मानते हैं, हमने मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो एक्स है। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। अब इसमें दूसरा देखते हैं, तो कुछ कंडीशंस जो इसमें दे रखी थी कंडीशन पे ध्यान रखते हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इजकल टू में 26, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया, वो होती है 26, जैसा कि मुझे लिखा हुआ था। मैंने इसे मैथमेटिक्स में एक ग्राफ बना के सामने रख दिया, ये हमारी होगी इक्वेशन 1 और कंडीशन 1 या स्थिति 1। सेम ऐसी स्थिति सेकेंड, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो एक्स इजकल टू में 3y, ये अपने पास होगी कंडीशन सेकेंड। तो 1 पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन को हमने जो लिखी थी, जो हम वर्ड प्रॉब्लम जिन्हें कहते हैं, वो हो चुकी है अपने पास सिंपल। जैसे ही ये सिंपल हुई है, राइट, तो हम इक्वेशन 1 और 2, ये 2 हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे ध्यान में रखते हैं। तो अब समीकरण 1 में एक्स इक्वल टू में 3y रखने पे, प्लीज दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, ये जो समीकरण 2 है ये ऑलरेडी एकदम सिंपल है, अब इससे ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने डायरेक्ट रख दिया कि समीकरण 1 में एक्स इक्वल टू 3y रखने पर। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू में आप हमारे अपने पास है 26, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 26, तो 2y इक्वल टू में कितना होगा 26, तो y इक्वल टू में कितना होगा 23। तो यहाँ पे ध्यान दें, 3 में से जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, वेरिएबल के साथ है, यदि कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, इसलिए ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 गए तो बचे कितने 2, 26 एट इजिट आ गया। 2y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 6, जब ये 2 था इसे डिवाइड में ले जाएंगे, 13 दूनी 26, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 13, राइट। ऐसे ही y की वैल्यू 13 को समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू 13 है जिसको समीकरण 2 में रखा, तो x इक्वल टू में 3y, y की जगह मैंने वैल्यू पुट अप कौन सी कर दी 13
तेरह। तो ये कितना हो गया, एक्स इजकल टू में 3 इंटू में 13, 13 को 3 से गुणा कर दिया 39। इसी के साथ साथ हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है कि हमारे पास जो पहली संख्या होगी वो होगी 39 और दूसरी संख्या होगी वो होगी 13, जो कि हमारी जो दी हुई दोनों कंडीशंस थी दोनों को अपना क्या क्या तरीके से आप कह सकते हो दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रही हैं, या यही दो ऐसी संख्या हैं जो दी हुई कंडीशन के लिए एकदम उपयुक्त हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बॉयज इसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो आपको बताता हूँ, संपूरक कोण वे होते हैं जिन दोनों कोणों का योग 180 होता है। यदि दो कोणों का योग 180 होता है तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हम मानते हैं, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, बड़ा कोण हमने माना x है और छोटा कोण क्या है y है। इसी के साथ कंडीशन रखते हैं x माइनस वाई इजकल टू में 18 डिग्री, यानी दोनों का अंतर कितना था कंडीशन में 18 और दोनों का योग कितना होता है 180। ये हमें पता होना चाहिए बॉयज, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन बस एक ही दे रखी है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 18 डिग्री है, और ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। यदि कोई भी कोण संपूरक होते हैं तो उनके दोनों कोणों का योग 180 होता है। अब x माइनस वाई इजकल टू 18 को एक रख लिया, x प्लस वाई इजकल टू 180 को हमने दो रख लिया है। ऐसे ही अब क्या करते हैं, अब समीकरण एक से x माइनस वाई इजकल टू में 18 डिग्री है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली x की, x इजकल टू में 18 प्लस वाई। तो ये 18 जो यहाँ पे था y माइनस का, इसको मैं कहाँ पे लेके गया, इस साइड क्या आ गया, ये प्लस का। तो ऐसे हो गया x इजकल टू में 18 डिग्री प्लस वाई। अब आगे देखते हैं, x के मान को 2 में रखने पर दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, x प्लस वाई इजकल टू में 180। ऐसे ही x प्लस वाई, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 18 प्लस वाई। ऐसी सेम 180, ये y सेम है अपने पास, 18 18 सेम है, y और y जोड़ के कितने हो जाएंगे, y और y, ये दोनों y जोड़ के हो जाएंगे 2y, राइट। तो 18 डिग्री प्लस 2y प्लस 180 डिग्री, सेम 18 प्लस का है, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 18, और इक्वेशन 2y सेम ही हमने एटीट्यूड लिख लिया है, तो 180 में से हमने 18 घटा दिए, वो अपने पास हो गए 162, राइट। 2y इजकल टू में 162, तो y इजकल टू में 162 अपॉन में 2, तो ये अपने पास हो गया y इजकल टू में 81। यहाँ पे हम देखेंगे, हमने एक जो संपूरक कोण की वैल्यू थी y, हमने उसे निकाल लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक से मुझे दूसरा संपूरक कोण मीन्स x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने वैल्यू रखी x इजकल टू में 18 प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमने निकाली 81, 81 और 18 होते हैं 99। इसी के साथ स्टेप्स के साथ हमने पता चल गया कि दोनों संपूरक कोण कौन कौन से थे। हमारा जो पहला संपूरक कोण था वो 99 का था, और छोटा वाला 81 यानी बड़ा वाला 99 और छोटा वाला 81। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, और हम चलते हैं अपने एक नई वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमें एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़, इस क्वेश्चन में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि संपूरक कोण, बॉयस संपूरक कोण एक बेसिक नॉलेज है जो कि आप 10th में आपको पता होना चाहिए था, जो 9th में पढ़कर आए हुए हैं, कि संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिनके का योग 180 होता है। डेट्स इट, तो हम अभी इस पर टाइम नहीं देते हैं, तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो देख पढ़ते हैं जो कि नंबर 3 पे है। यहाँ पे देखते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने
सात बल्ले तथा छह गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। यहाँ पे देखो बड़ी प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सा दे रखा है, जैसे क्रिकेट टीम का कोच दे रखा है, आप कुछ भी माने। यहाँ पे हमने सात बल्ले खरीदे और छह गेंदे खरीदी, तो हमें 3800 रुपये देने पड़े। बाद में उसने तीन बल्ले तथा पांच गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। यानी बाद में उसने नेक्स्ट टाइम विजिट किया, उसने तीन बल्ले और पांच गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ये बताना है कि कह सकते हैं कि गेंद कितने की थी और बैट कितने का था। इसमें हम सिंपल दो वेरिएबल मानेंगे, दोनों वेरिएबल को दोनों कंडीशन में रख के फुलफिल कर देंगे, जिसके तहत हमें इसका पता चल जाएगा कि हमें बॉल कितने की मिली और बैट कितने का मिला। तो उसमें सॉल्यूशन में ध्यान देखते हैं। मानते हैं एक बल्ले का मूल्य एक्स है, यानी जो अपने पास बल्ला है, जो बैट है उसका मूल्य एक्स है, और जो बॉल है उसका मूल्य ₹Y है, राइट। इसी के साथ बॉल और हमने इसका मूल्य मान लिया, और हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें कंडीशन रखते हैं स्थिति वन। कंडीशन वन में देखते हैं सात बल्ले प्लस छह गेंद, जो कि हमारी पहली लाइन में लिखा था कि सात बल्ले खरीदते हैं और छह गेंद खरीदते हैं, तो दोनों का मूल्य कितना होता है 38। और मैंने बल्ले को क्या माना था एक्स और गेंद को क्या माना था वाई, तो 6y और 7x इक्वल टू में 3800 या 3800 रुपये। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर वन। तो ऐसे में दूसरी कंडीशन की या दूसरी स्थिति की एक और इक्वेशन बनाऊंगा, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या बोला, तीन बल्ले होने चाहिए और पांच गेंदे होने चाहिए, जो कि कुल कितने के होने चाहिए 1750। तो बल्ले क्या माने थे हमने एक्स और गेंद क्या मानी थी वाई, तो 3x प्लस 5y इजकल टू में 1750, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है अब तक, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, जो कि वर्ड प्रॉब्लम की दोनों लाइनों का एक मिनिमम सा सॉल्यूशन है। तो इसके आगे देखते हैं समीकरण दो से। मैंने इक्वेशन नंबर ली टू, आप चाहें तो एक लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में कि आपका बस स्टेप ठीक होने चाहिए, आपके आंसर एकदम सही आएंगे। आप चाहे एक से लेंगे तो भी फाइनल आंसर सेम रहेगा, बीच के कुछ स्टेप मल्टीप्लाई चेंज होंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इक्वेशन टू से। मैंने ली इक्वेशन टू, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू में 1750। तो यहाँ पे जो 5y है, मैं प्लस का इधर ले आया, ये हो गया अपने पास माइनस का। प्लीज बॉयज माइनस प्लस पे ध्यान दें। x इक्वल टू में 1750 माइनस का 5y। तो अब ये थ्री जो है, ये मैंने 1750 और 5y दोनों में डिवाइड किया है। यदि यदि एक में हो जाए तो फिर यहाँ पे गलती हो सकती है, तो इस गलतियों पे ध्यान दें, क्योंकि तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलती कुछ ही जगह होती है जहाँ पे करते हैं, माइनस प्लस में या फिर ट्रांसपोर्टेशन रूल में। अदरवाइज स्टेप्स तो सब नोट कर लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। प्लीज़ कैलकुलेशन पे ध्यान दें। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इस एक्स का मान को समीकरण एक में रखते हैं। जो भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली, अब उसे हम कहाँ रखने जा रहे हैं, समीकरण एक में। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, यहाँ पे 7। एक्स की वैल्यू आ गई 6y इक्वल टू में 3800। तो 6y 6y 3800 3800। अब इसको हम क्या करेंगे, माइन्यूट सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की ये जो लाइन है उस पर प्लीज़ ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीन है, तीन की गुणा मैंने कर दी छः से, तो छतियाँ 18, राइट। छतियाँ 18, मैं यहाँ पे एरो भी कर देता हूँ। और फिर तीन की गुणा ही मैंने कर दी 3800 से, 3800 से गुणा करते ही तो ये कितना हो गया अपने पास 11400। और सात की गुणा कर दी मैंने 1750 से, तो ये हो गया अपने पास 12250। सिंपल सात की गुणा पाँच से कर दी तो ये हो गया 35, माइनस का 35, क्योंकि 5 क्या था माइनस का। अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन पे आ जाते हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ी इक्वेश मल्टीप्लाई जो भी मैथ्स के गुणा भाग है वो इस इक्वेशन पे। तो नीचे काफ़ी ईजी, तो ध्यान रखते हैं, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 35y है और यहाँ पे 18y है, तो 18 में से 35 गए तो कितने बच गए 17 माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा था, तो ये आ गया माइनस का 17y। इसे हमने सेम रख लिया, इसे भी सेम रख लिया। अब सेम 17 को प्लस में ले आए, माइनस 17y को, और ये प्लस में रहा और ये प्लस का था तो किस में हो गया, माइनस में हो गया।
इस चीज पे ध्यान दें बॉयज, क्योंकि यहाँ पे डबल बार माइनस और प्लस का चेंज किया जा रहा है एक सिंगल इक्वेशन में, राइट। तो बचा क्या अपने पास, 12,250 में से 11,400 को हमने क्या कर दिया माइनस, तो बचा क्या 850। तो 17y = में क्या हो गए 850, तो y = में 850 बटे 17, 17 से काट देते कि 17 पंजे होते हैं 85, 85, तो 5 और 0 का 0, यानी y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 50। तो हमारे पास एक वेरिएबल जो हमने माना था स्टार्टिंग में उसकी एक की वैल्यू आ गई 50, राइट। तो y का मान क्या कर देते हैं, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, y का मान 50 समीकरण 2 में रखने पर x = में 1750 माइनस 5y/3, तो y की जगह क्या रखेंगे 50, यानी हो जाएगा यहाँ पे 5×50। तो यहाँ पे देखते हैं 1750 माइनस में 5×50 बटे में 3, तो इसे सॉल्व करते हैं, 5 और 50 के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, 5×5=25, 0 का 0, 1750 में से 250 गए 1500, 3 3, बस ये देखें 3 3 3, ये सिंपल नीचे उतरता हो रहा है। जब भी इसकी कैलकुलेशन आ रही है मैं इसको जरूर बता रहा हूँ, अदरवाइज डिवाइड में जो वैल्यू जहाँ है वो ऐसे एग्जिट ऐसी उतरती हुई चली आएगी। जैसे यहाँ पे आ गया 3 3, से इसको गुणा कर दिया तो आ गया हमारे पास 500। तो एक्स की वैल्यू आ गई 500 और वाई की वैल्यू आ गई 50। इसी के साथ ये सॉल्यूशन हमारा इस समीकरण का ख़त्म होता है। तो इस समय जो पता चलता है एक्स की वैल्यू 500 है, वाई की वैल्यू 50 है, और हम अब कह सकते हैं कि बल्ला जो इक्वेशन में दे रखा था, जो बैट है या बल्ला जो हम कह रहे हैं, बल्ला जो आया अपने पास 500 रुपये का आया, और जो गेंद है वो एक गेंद की कीमत 50 रुपये ही है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देखते हैं। ये कुछ गाड़ी के भाड़े से या टैक्सी से है, जैसे हम ऑटो यूज करते हैं या अदर थिंग, इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए हम इस पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, राइट। तो हम देखते हैं एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। तो बस क्वेश्चन पे एक बार हम दोबारा ध्यान देखेंगे, अभी हमने काफ़ी फास्ट वे में पढ़ लिया, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। एक नगर है मैं जहाँ पे टैक्सी चलती है, जैसे हमारे यहाँ आप समझ सकते हो कि ऑटो चलाते हैं हम या ओला उबर जो भी कुछ करती है, तो उसका एक नियत भाड़ा है। नियत मतलब कि जो फिक्स है, आप बैठे तो उतना तो देना ही देना है, राइट, या बैठ गए तो भाड़ा तो देना ही देना है। आप उस भाड़े को रोक नहीं सकते, चाहे हम 1 किलोमीटर जाएं, चाहे बैठते ही बस 10 कदम चल के उतर जाएं, तो वो हो गया अपने पास नियत भाड़ा, ठीक है, किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, तो ध्यान रखें नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर, ठीक है। इसमें दो चीज़ हो गई, एक तो नियत भाड़ा हो गया जो अपना फिक्स है कि जो देना ही देना है, और एक 10 किलोमीटर की दूरी अगर चलते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ता है 105 रुपये। जैसे सपोज कर लो कि हमें जनपद जाना है, जनपद 10 किलोमीटर है, तो हमने ऑटो किया, ऑटो वाले ने हमसे कितने लिए 105 रुपये, ठीक है। तथा यदि ये दूरी 15 किलोमीटर की होती है, राइट, अगर 15 किलोमीटर की होती है तो हमसे कितने रुपए लिए जाते हैं 155 रुपए। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपए और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपए लिए जाते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये भी है एक अलग से, कि यदि किसी यात्री को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमें सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया भाड़े में जो दो कंपोनेंट, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स वो कि जो नियत है, जो यहाँ पे नियत लिखा हुआ है ये फिक्स है कि हमें देना ही देना है, और एक वेरिएबल जो पर किलोमीटर देना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं, आगे ध्यान रखते हैं। हम मैंने माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना हो गया अपना x रुपीस, यानी नियत मतलब फिक्स, यानी ये देना ही देना है, और पर किलोमीटर पे कितना मान लिया मैंने y, प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपीस है। तो y रुपीस पे प्लीज़ ध्यान दें कि हमने दोनों भाड़े मान लिए, जो फिक्स हैं और जो नहीं है। अब
इजी है क्वेश्चन। अब हम इसकी कंडीशन बनाते हैं कि एक बंदा था जो कि फिक्स फिक्स भाड़ा क्या है एक्स, ठीक है, और कितने किलोमीटर गया 10, तो उसे कितने पैसे देने पड़े 105। जो वहाँ पे लिखा हुआ था वर्ड प्रॉब्लम में उसे हमने मैथ्स में बदल दिया है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं कंडीशन नंबर टू। अब यहाँ पे क्या हो गया, बस 10 की जगह 15, क्योंकि पहली कंडीशन में बंदा गया था सपोज कर लो 10 किलोमीटर, सेकंड कंडीशन में गया है 15 किलोमीटर। तो इक्वेशन हमारी बनती है, इक्वेशन बन गई एक्स जो कि फिक्स है, 15 वाई जो कि किलोमीटर्स हैं जो कि ये गया हुआ है, और कितने रुपए लग गए अपने पास 155। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 के लिए इक्वेशन नंबर वन, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये के लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब क्या करते हैं, समीकरण एक से मैंने समीकरण एक लिया है अपने सॉल्यूशन में, यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे समीकरण दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण एक से मैंने जो लिया वो है अपने अपने पास एक्स प्लस 10 वाई इजकल टू में 105। तो इसको देखते हुए हैं हम आगे ध्यान देते हैं कि एक्स इजकल टू में क्या हो गया 105 माइनस का 10 वाई। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखते हैं कि प्लस का 10 वाई है, प्लस का 10 वाई इधर आया तो किस में हो गया ये माइनस का, क्योंकि मैंने इसी को यहाँ से इक्वल के इधर से चेंज किया है, राइट। तो हम आगे देखते हैं, अब एक्स का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण दो में एक्स की जगह क्या रखा मैंने 105 माइनस 10 वाई, वह फिगर जो वहां पे हमने एक्स की निकाली थी एक में, 15 वाई की जगह 15 वाई, 155 की जगह 155, राइट। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 10 माइनस का है 15 प्लस का, तो 10 में से 5 गए 5। बस यहाँ पे प्लीज ध्यान देखें, अभी तक हमने जो भी किया हमेशा हमारा आंसर माइनस में आता है, इस बार प्लस में आ रहा है क्योंकि प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है। तो 10 में से 15 जाते हैं तो कितना आएगा प्लस का 5, 105 पे 105, 155, 155, राइट। ऐसे 5y इक्वल टू में 155 माइनस 105, 155 ये प्लस का था इधर आ गया माइनस का। तो यहाँ पे देखते हैं 155 माइनस 105 रिजल्ट आता है अपने पास 50, और ये 5y 5y सेम नीचे आता रहता है। अब यहाँ पे y और 5 कहाँ पहुँच गया, गुणा में था, कहाँ गया अपने पास भाग में, 50/5 इजकल टू में 10, राइट। 50/5 इजकल टू में 10, तो हमारे पास एक वेरिएबल जो हमने माना था, प्लीज ध्यान दें, एक वेरिएबल जो हमने माना 50/5 उसकी वैल्यू आ चुकी है 10। तो हम इसे आगे देखते हैं, y का इजकल टू में 10, y इजकल टू में 10 इक्वेशन वन में रखने पर, तो प्लीज ध्यान दें कि दो में रखा था, अब हम किस में आ गए एक में, तो y की वैल्यू 10 रखी हमने, तो x इजकल टू में 105 माइनस 10 y, x इजकल टू में 105, y की जगह क्या रखा 10, तो 10 आ गया, तो 10 10 कितने हो गए 100, 105 में से 100 का कितना हो गया 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 10। इसी के तहत हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमने जो भी माना था कि हमारा नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है वो आ गया। नियत भाड़ा मतलब फिक्स, यानी हम ऑटो में बैठते ही 5 रुपये तो हमें देने ही देने हैं, और अतिरिक्त किलोमीटर के कितने देने हैं 10 रुपये। इसी के साथ हम आगे जो इसका क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है बॉयज 25 किलोमीटर्स, तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो उस पर भी ध्यान रखते हैं कि 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर की इक्वेशन क्या बनेगी, नियत भाड़ा जो हमने माना था एक्स, और किलोमीटर कितना 25 वाई। तो यहाँ पे देखते हैं फिक्स भाड़ा कितना निकाला हमने 5, और वेरिएबल कितना है 25 गुणा 10, क्योंकि 25 किलोमीटर जाने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा 25 किलोमीटर, 10 रुपये हर किलोमीटर के 10 रुपये, तो 5 + 250 इजकल टू में 255। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश होता है, राइट। तो इसी के साथ जब ये क्वेश्चन फिनिश होता है तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक थोड़ी सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें मिश्र भिन्न और थोड़ी अलग सी गुणा देखने को मिल सकती है। तो ध्यान दें इस क्वेश्चन पे प्लीज, यदि
किसी भिन्न के अंश और दोनों हर में अंश और दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो प्लीज ध्यान दें, अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, भिन्न क्या होती है, जो बटे वाली संख्या होती है। बटे वाली संख्या यदि दो जोड़ दिया जाता है तो अपने पास 9/11 हो जाती है, यदि तीन जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो अपने पास इस इक्वेशन में दो कंडीशन दे दी, यदि दो जोड़ते हैं तो 9/11, तीन जोड़ते हैं तो 5/6, राइट। तो हमारा दो ही कंडीशन दे दिया, हम दोनों कंडीशनों को मैथमेटिक्स में लिखेंगे, दोनों कंडीशनों को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें भिन्न मिल जाएगा। इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे देखते हैं। माना अंश क्या है, एक्स है, न्यूमिनेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। तो अंश एक्स है और हर क्या है, वाई है, तो भिन्न क्या बनेगी, एक्स अपॉन में वाई, राइट। तो इसके हम कंडीशंस को रखते हैं। स्थिति वन, अंश और हर में दो जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। प्लीज यहाँ पे देखिए, हमने लिख भी दिया है कि कंडीशन क्या कह रही है, अंश और हर में दो जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, राइट, अंश और हर दोनों में। तो ये दो जोड़ना है बॉयस, यहाँ पे प्लीज ध्यान दें रिटर्न में कि हमें दो जोड़ना ही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टू अपॉन में वाई प्लस टू इजकल टू में 9/11। तो एक्स प्लस टू अपॉन में वाई अपॉन टू इजकल टू में 9/11, तो ये हमारी पहली कंडीशन फुलफिल करता है। तभी हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 11 ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, 9 ब्रैकेट में वाई प्लस टू। तो ध्यान रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं किया है। एक्स प्लस टू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई प्लस टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट्स को ओपन जब करेंगे, एक्स की 11 की गुणा एक्स से या एक्स की गुणा 11 से करेंगे, 11x 11 की गुणा 2 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22। तो 9y, तो 9 की गुणा वाई से करेंगे 9y, और 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 18। सिंपल, एक्स और वाई को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 9y प्लस का है तो इधर लाएंगे, किस में कर दिया मैंने, माइनस का, और ये 11x सेम ही है। ऐसे ये 22 प्लस का है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि हम जैसे ही इक्वल की तरफ साइन को चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो इसके बाद देखते हैं, 11x माइनस 9y इजकल टू में माइनस 4, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अभी तक जो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हमने अंश में दो जोड़ दिया था तो हमारी जो इक्वेशन थी 11/9 हो जा रही थी। तो हमने उसको देख लिया कि हमने उसे एक सिंपल इक्वेशन लाया। ऐसे जो हमारी कंडीशन सेकंड है उसमें क्या कह रहा है कि हम दो जोड़ेंगे या तीन जोड़ेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9/11। तो आगे देखते हैं, सॉरी 5/6 हो जानी चाहिए थी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, 5/6 हो जाएगी। तो एक्स प्लस थ्री अपॉन में वाई प्लस थ्री इजकल टू में क्या है, 5/6। तो इसको आगे चलते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान रखते हैं, सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, एक्स प्लस थ्री इधर आ गया, वाई प्लस थ्री इधर आ गया। तो 6 की गुणा एक्स से करी 6x, 6 की गुणा 3 से करी 18, 5 की गुणा वाई से करी 5y, 5 की गुणा 3 से करी 15। सेम 5y इधर प्लस का था तो इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, 18 प्लस का था इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, राइट। 6x 6x माइनस का 5y 5y, 18 में से 15 गए 3। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 18 बड़ा है और वो माइनस का है, ये 3 गया, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, राइट। तो इसी को आगे चलते हैं, तो अब क्या देखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिया हमने, 2 क्या है, 6x माइनस 5y इजकल टू में माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसमें, प्लीज 5y माइनस का था तो इसके मैं माइनस का था, इसको इधर ले गया तो ये प्लस का 5y हो गया, माइनस 3 इधर का था, इधर लाया तो ये प्लस का 3 हो गया, राइट। तो 5y जब ये मल्टीप्लाई में है
पाँच इधर आया कि किस में हो गया डिवाइड में, प्लीज ध्यान दें तीन के भी नीचे पाँच है और सिक्स एक्स के भी नीचे पाँच है, इसलिए लाइन बड़ी है ये ना तीन, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन के नीचे है या छः के नीचे है, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गई वाई की वैल्यू। अब दो से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली है, तो इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर एक में। इक्वेशन नंबर एक है जो हमारे पास है 11x - 9y इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 11x - 9 6x+3/5 इक्वल टू -4। हमारी जो वैल्यू पुटअप है वो है 6x+3/5, राइट। तो प्लीज ध्यान दें 9 ब्रैकेट में ये वैल्यू हमने रख दी, हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है यहाँ पे। तो 9 और 6 की गुणा करी 54, 9 और 3 की गुणा करी तो 27, इस 5 की गुणा 11 से कर दी तो 55, इस 5 की गुणा 4 से कर दी तो 20, राइट। तो इस 5 की गुणा पे प्लीज ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये गुणा इसके साथ भी होनी है और बराबर के बाद भी होनी है, ठीक है। ये 9 की गुणा हमने ब्रैकेट्स खोलने के लिए ही किए, क्योंकि ये ही एक इक्वेशन है जहाँ पे हमारे तीन चार ट्रांसपोर्टेशन के ब्रैकेट्स ओपन और अदर्स रूल्स लग रहे हैं, अदरवाइज आगे सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 54 माइनस का ये 55 प्लस का, तो अपने पास आ गया x, और 27 यहाँ पे माइनस का तो इधर आ गया, तो प्लस का आ गया और 20 माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 7। 27 में से 20 गए तो आ गए 7, राइट। तो हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है x, x इक्वल टू में हो जाएगा 7, राइट। तो x के मान को हम कहाँ पे रखेंगे, x के मान को हम इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं, x के मान को इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो x इक्वल टू में 7, ठीक है, समीकरण दो में रखने पर, तो y इक्वल टू में 6 ब्रैकेट में 7 प्लस 3 अपॉन में 5, तो y इक्वल टू में 42 प्लस 3 अपॉन में 5, राइट। 6 7 42, प्लीज यहाँ पे देने 6 और 7 की गुणा करेंगे 42, और कोई चीज नहीं है, एड इट सेम 45 प्लस 3 45 अपॉन में 5, तो ये हो गया अपने पास 9, 9 5 45, ठीक है। ऐसे ही 9 और आगे अपने पास y की वैल्यू और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, तो अपने पास क्या होगा, जो हमने भिन्न बनाई थी अंश और हर, अंश कितना आ गया अपने पास 7 और हर कितना आ गया 9। अंश क्या है 7 है और हर क्या है 9 है, ये एक अभिष्ट भिन्न है 7/9, हमने भिन्न लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे ध्यान देते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारी जो कंडीशन है 1 जो दे रखी है वो पहली लाइन में, सेकेंड कंडीशन दे रखी है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो वैलिड है वो जो पूछना चाहता है हमें प्रेजेंट आयु पूछ रहा है कि हमारी प्रेजेंट में यानी आज के टाइम पे वर्तमान आयु कितनी है। इसकी पहली कंडीशन को एक बार दोबारा देखते हैं, 5 वर्ष बाद, ठीक है, और ये जो सेकंड कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 वर्ष बाद या आज से 5 वर्ष पूर्व, तो ये दो कंडीशंस दे रखी हैं जिनकी हम एक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानते हैं जैकब की वर्तमान आयु, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि x और y हमने प्रेजेंट आयु मानी है, प्रेजेंट ही मान सकते हैं क्योंकि हम ना तो फ्यूचर देख सकते हैं ना तो पास्ट देख सकते हैं, हम प्रेजेंट में हैं, तो हम जो भी कुछ मान्यता अपनी मानते हैं वो प्रेजेंट की ही मानते हैं। जब इसकी कंडीशन एक देखते हैं या स्थिति एक देखते हैं, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। जैसे सपोज करो आज कोई 10 साल का बच्चा है तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 साल का, राइट। यदि किसी के फादर 50 साल के हैं तो 10 50 प्लस 5 कितने साल के हो जाएंगे, 55 ईयर के। तो ऐसी पहली स्थिति अपने मान ली, तो इसे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या जो भी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या स्थिति है। 5 वर्ष बाद क्या कहता है, कितना हो जाएगा, 3 गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का, राइट। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू में 3,
वाई प्लस फाइव। ऐसे एक्स प्लस फाइव इजकल टू में थ्री वाई प्लस पंद्रह, तो एक्स प्लस फाइव सेम है, तीन के गुणा वाई से करी तो थ्री वाई, तीन के गुणा पाँच से करी तो पंद्रह। सिंपल एक्स माइनस थ्री वाई इजकल टू में फिफ्टीन माइनस पंद्रह, तो एक्स माइनस थ्री वाई, ये थ्री वाई था प्लस का इधर ले आए तो ये हो गया अपना माइनस का, हम इक्वल के इसको इधर खींच के ले आए, राइट। ऐसे ये पंद्रह था, ये प्लस का था, इससे को इधर ले आए तो ये हो गया माइनस का, तो अपना सिंपल हो गया दस में से पंद्रह के दस। तो हमने बाद वाली इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन का एक नंबर रख देते हैं वन, क्योंकि हमारी कंडीशन वन और स्थिति वन की इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पूर्व वाली में ध्यान देते हैं कि हमसे क्या कहा गया था कि पूर्व में जैकब की आयु कितनी होगी, हमने माना कि वो होगी एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स हमने प्रेजेंट मानी है, पूर्व मतलब पहले, तो एक्स माइनस फाइव, ऐसे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी वाई माइनस फाइव, राइट। तो इसकी भी वही सेम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कहा गया एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव इजकल टू में सेवन वाई माइनस फाइव, तो सेम वही कि सात साल सात गुना है आयु का हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सात कांस्टेंट ले लिया, ऐसे हमने यहाँ पे तीन ले लिया था जो कि तीन लिखा हुआ था, तो ऐसे सेम आगे सॉल्व करते हैं, सात को ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेवन वाई सात पंजे पैंतीस, राइट, एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन वाई इजकल टू में फाइव माइनस थर्टी फाइव, तो एक्स है ये सेवन वाई है, सेवन वाई को इधर ले आए तो हो जाएगा एक्स माइनस सेवन वाई, पैंतीस इधर आ गया तो पाँच इधर आ गया, तो पाँच माइनस में पैंतीस कितने हो गए तीस। यहाँ पे ध्यान रखें कि निशान माइनस का बड़ा है, इसलिए ये माइनस का तीस आया है, राइट। तो एक्स माइनस सेवन वाई इजकल टू में माइनस का तीस। ऐसे हम देखेंगे कि हमने एक इक्वेशन वन बना लिया, एक इक्वेशन टू बना लिए। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी से भी हम एक इक्वेशन लेंगे जिससे हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में पुट अप करके एक आंसर की तरफ ले जाएंगे। तो हम लेते हैं समीकरण दो और दो को देखते हैं एक्स माइनस सेवन वाई इजकल टू में माइनस थर्टी, तो अपने पास वैल्यू क्या बचती है एक्स इक्वल टू में सेवन वाई माइनस में तीस, ये सात वाई माइनस का था इधर आ गया प्लस में, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे क्योंकि हमने दो से वैल्यू निकाली है, तो दो को कहाँ रखते हैं एक में, एक से निकालते तो कहाँ पे रखते दो में, तो हमारे पास जो इक्वेशन एक है वो है एक्स माइनस थ्री वाई बराबर में दस, तो एक्स की जगह वैल्यू चेंज हो गई, अब एक्स की जगह क्या वैल्यू रख दी मैंने सेवन वाई माइनस थर्टी माइनस थ्री वाई इजकल टू में टेन, राइट। तो यहाँ पे हो गया फोर वाई इजकल टू में दस प्लस तीस, ये तीस प्लस का माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का, ये थ्री वाई माइनस का था और सेवन वाई तो सात में से तीन गए चार, यहाँ पे ध्यान रखिए सात प्लस का है ये बड़ा है और तीन माइनस का ये छोटा है, इसलिए यहाँ पे निशान किसका आया प्लस का, राइट। तो दस और तीस कितने हो गए चालीस और फोर वाई इजकल टू चालीस, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई दस, क्योंकि ये चार गुणा का इधर जाएगा भाग में, दस चौक चालीस, तो अपने पास एक वैल्यू आ गई वाई इजकल टू में दस, जो हमने पहला वेरिएबल माना था वाई उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब वाई की वैल्यू वाई के मान को हम समीकरण दो में रखेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसमें देखते हैं वाई इजकल टू में दस को समीकरण दो में रखने पर एक्स इजकल टू में सेवन ब्रैकेट में टेन माइनस तीस, तो सेवन दस दस कितना हो गया अपने पास सत्तर, सात और दस सत्तर माइनस तीस तीस चालीस चालीस, राइट। तो एक्स इजकल टू में कितना हो गया अपने पास चालीस, इसी के साथ हमने ये यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाली, क्योंकि जो हमने माना था स्टार्टिंग में कि अपने पास पुत्र की आयु वाई है और पिता की आयु एक्स है, जो भी मानता उसका आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और हम इस वीडियो को एंड करते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3.2, जिसमें हम देखेंगे कि किसी इक्वेशन के एक सॉल्यूशन, अनेक सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, राइट। तो हम इसका आंसर एक बार देखते हैं, जो हम अलग से लिखते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष, और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।